उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज में आ गई है वेरियस पदों पर वैकेंसियां। एक्टिविटी डैशबोर्ड में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। मैंने वीडियो बना करके भी इसकी जानकारी दी हुई थी, वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके बताने जा रहा हूँ कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी है, फीस पेमेंट किस तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पर आपको upsc.up.nic.in की वेबसाइट खुली हुई मिल जाएगी। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आकर के इस वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के टैब पर जाना है, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट के टैब पर आपको चले जाना है। जैसे यहाँ पर जाएंगे सीधी भर्ती आपके सामने दिख जाएगी। 4/6 यानी कि 4 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 1 जुलाई तक आपको फॉर्म का फीस पेमेंट कर लेना है, 5 जुलाई तक फॉर्म सबमिट कर देना है। एनी हाउ यूजर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट का लिंक दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट का लिंक आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो उस वीडियो को पहले देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है। अब यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी और यहाँ पर सारी पोस्ट और एज कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। राजपत्रित अराजपत्रित किस प्रकार की पोस्ट है ये आपके सामने आ जाएगी। टोटल मिलाकर के 50 तरह की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करना है। चाहे तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन में व्यू के टैब पर जा करके क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान या उसके साथ स्नातकोत्तर है तो आप सहायक रसायनज्ञ की पोस्ट भर सकते हैं। इसी तरीके से मृदा रसायनज्ञ, कीट विज्ञानी, उद्यान विशेषक, सहायक उद्यान विशेषक, बहुत तरीके की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। अब फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, इसी रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक कर दीजिए। अगर इससे पहले आपने कभी UPSC की एग्जामिनेशन दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है, फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो यहाँ पर यस का टैब क्लिक करना है, नहीं किया हुआ तो नो का टैब क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पर नो को चल के करके चलता हूँ क्योंकि यस करेंगे तो पूरा फॉर्म आपके सामने बेसिक डिटेल आपकी फिलअप ही मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सारा नेम आ गया, नेम आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर लेना है। यहाँ पर नेम अपने भर दीजिए, फादर्स नेम आपको यहाँ पर भर देना है, डोमिसाइल ऑफ UP यस या नो के टैब पर क्लिक कर दें। अगर नो के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह आप यहाँ पर बिल्कुल भी चुने जाएंगे। और अगर है तो यस के टैब पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया है, यूपी फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, हैंडीकैप पीपल हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर चारों में से कोई हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको नो के टैब पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए नो के टैब पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, अगर हैं तो आप कर लीजिए, आपको रिजर्वेशन यहाँ पर बिल्कुल भी मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यस या नो के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। यस करते हैं तो कब से कब तक की सर्विस थी आपकी, किस में आप किस विभाग में कर रहे हैं, काम कैटेगरी, ये सब सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो नो के टैब पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कभी डीबार किए गए हैं UPSC से, अगर यस या नो के टैब पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर नो पे कर देता हूँ। कैटेगरी SC ST OBC क्या है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है यहाँ पर, यहाँ पर डे सेलेक्ट करिए, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करिए और यहाँ पर जा करके आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है आपको, मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है, अगर मैरिड है तो यस करिए, अनमैरिड है तो नो कर लीजिए। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर दिया। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी भर देनी है, हाई स्कूल का आपको और इंटरमीडिएट के पासिंग रोल नंबर यहाँ पर भर देने, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर किस बोर्ड से किया हुआ है वो चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, किस ईयर में आपने पास किया है, हाई स्कूल का रोल नंबर क्या था, आपको ये चीज़ फिलअप करना है। कंप्लीटेड इंटरमीडिएट यस या नो के टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे यस के टैब पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर से आपका इसी तरीके से आएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और रोल नंबर क्या था आपको यहाँ पर अपना लिख लेना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने कृषि विज्ञान में या के साथ स्नातकोत्तर है तो यस के टैब पर आपको क्लिक करना है, नो के टैब पर क्लिक करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रेड सिस्टम था, यस या नो के टैब पर क्लिक कर लेना है। मार्क्स कितने थे आपके, यानी कि मार्क्स आपने ऑप्टेन कितने किए वो लिख लेना है, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद में आपको कैप्चा पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए कैप्चा, कैप्चा को स्मॉल कैपिटल ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर आपको भरना है।
वैलिडेट एंड प्रीव्यू के टैब पर क्लिक करेंगे, अगर कोई जानकारी गलत होगी तो आपका आ जाएगा। देखिए वेरिफिकेशन कोड नॉट मैच, मैंने हो सकता है कैप्चा थोड़ा सा गलत डाल दिया, एक बार इसे मैं फिर से कैप्चा सही से डाल देता हूँ। देखिए मैं स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखता हूँ और मैं यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रीव्यू करता हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरा कैप्चा बिल्कुल सही है। देखिए सारी जानकारी यहाँ पर खुल गई है। अब यहाँ पर आई हैव केयरफुली चेक्ड ऑल द एंट्रीज के टैब पर क्लिक कर लिए, सबमिट एप्लीकेशन और बैक के टैब का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करेंगे, बोलेगा चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल बिफोर सबमिटिंग, क्योंकि बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर अपना देख लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है रजिस्ट्रेशन स्लिप का, और डिपॉजिट करना है फीस नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किसी के भी माध्यम से, SBI चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, SBI बड़ी के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओके के टैब पर क्लिक कर लेना है। सबमिट कर दिया है मैंने यहाँ पर अप्लीकेशन। देखिए अप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, नोटिफिकेशन नंबर, सारी जानकारी यहाँ पर आ गई है। अब पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट करते ही आपको यहाँ पर फॉर्म आपका फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं, और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा। उससे पहले आपको ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नोट कर लेना है। अब क्लिक हेयर टू पे रिक्वायर्ड फीस के टैब पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके बोलेगा प्लीज़ व्यू योर पर्सनल डिटेल केयरफुली, क्योंकि बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। यस के टैब पे क्लिक कर देना है, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, डोमिसाइल ऑफ UP और ये सारी जानकारी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फ्रीडम फाइटर नो। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, देखिए छोटा छोटा यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो इसको यहाँ पर R23G&K क्लिक हेयर टू अपडेट के टैब पर क्लिक कर लेना। मैसेज फिर से इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट फीस के टैब पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके के टैब पर क्लिक कर देना है। डिटेल हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू पे का ऑप्शन करना है। जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा, एडवर्टीजमेंट नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाइड पोस्ट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन भी मेरे सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट बैंक MOPS प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के टैब पर क्लिक कर लेंगे। ओके के टैब पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आएगा SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक किससे आपको पेमेंट करना है, बिल्कुल आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा SBI नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करिए, ज़्यादा अच्छा है। UPI मोड पर ना जाइए क्योंकि पैसे फंसने के चांसेस है। क्लिक हेयर करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म आधा सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। पेमेंट हो गया है, देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है मेरा। ओके पर क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, देखिए पूरा यहाँ पर ये चीज़ आ गया है। इसको मैं क्या करना है, एक एक स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए रेफरेंस नंबर वगैरह ये सब चीज़ें, तो यहाँ सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट, पूरा एक्नॉलेजमेंट आ गया है मेरा, सारी चीज़ें लिख करके आ गई हैं, सक्सेसफुल हो गया है सब कुछ। प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट मैं क्लिक कर दूंगा, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट मैं यहाँ पर सेव एस PDF को करके कहीं पर मैं इसको सेव कर लूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको किसी, मैं अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको सेव कर लिया। अब फाइनल सबमिशन की ओर हम चलते हैं कि फाइनल सबमिट कैसे करना है। यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं, देखिए ये सारी डिटेल आ गई, हमारी ट्रांजेक्शन आईडी आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद देखिए अब यहाँ पर फोटो सिग्नेचर मुझे अपलोड करने हैं। कैसे करने हैं, मैंने आपको बताया था कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत ध्यान देना है। JPG फॉर्मेट रखना है आपको, फोटो सिग्नेचर आपका इस तरीके से होना चाहिए। आप यहाँ से चूज़ करिए फाइल, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाता हूँ, मैंने कहीं पर रखा हुआ है फ़ोटो सिग्नेचर, कहाँ रखा है मैं देखता हूँ। मैंने, चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर, ये है मेरा फ़ोटो। अब इसको मैं मेरा नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर पूरा भी इमेज प्रीव्यू हो गया। क्यों इतना जल्दी फटाक से हो गया ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसको करने में। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसमें प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर राइट क्लिक करके देखिए 42 KB का फोटो है, 50 KB के नीचे होना चाहिए फोटो सिग्नेचर, इसी तरीके से होना चाहिए तभी आपका अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा इन चीज़ को। तो यहाँ पर ये चीज़ अपलोड हो गया है। यहाँ पर फॉर्म का ये लिख देना है, यहाँ पर ये पूरा कैप्चा आपको एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद देखिए हो गया, अपलोड फोटो सिग्नेचर पर क्लिक कर देना। फोटो सिग्नेचर देखिए फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पर लिख करके आ चुका है, क्रॉस कर देना है, फोटो सही से हो गया सिग्नेचर। क्लिक प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। आई डिक्लेयर आई हैव रीड द ऑल द इंस्ट्रक्शन, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए आपके साथ आएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए डोमिसाइल
ऑफ यू पी यस नो, ये सब आपका पूरा अच्छे से यहाँ पर डिटेल सारी भरी हुई है। आपको सेलेक्ट क्या करना है, ये सब तो मैंने फॉर्म में सेलेक्ट करके रखा था इसलिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, किस में आपको, आपके पास यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प जाने की स्थिति में उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वालों पर दिया जाएगा। आपके पास जो एक्वायर्ड है उसको आपको जरूर भरना है। अब बोलेगा कि भारत से के मतलब ग्रेजुएशन है आपके पास, उसके बाद सर मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र है या नहीं है, यस कर दीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बोलेगा साहित्य, हिंदी संस्कृत साहित्य में ये सब में आपके पास स्नातक है या नहीं है, यहाँ पर भी आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद में बताएगा कि भारत में विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्शियन, उर्दू साहित्य में से किसी एक के साथ स्नातक की डिग्री है, या फिर यहाँ अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, या अगर आपके पास है तो जरूर इसको भरना है, नहीं तो फिर आपको नो कर देना है। यूपी सेक्रेटरी भारत में विश्वविद्यालय विधि द्वारा विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वारिडिज में स्नातक है या नहीं है, यस या नो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके कोई समकक्ष अर्हता है, DOECC यानी कि ओ लेवल प्रमाण पत्र है या नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यस नो कर देना है। नेम कैंडिडेट पूरा भर देना है, नेम भर देना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, पिन कोड वगैरह सब कुछ डाल देना है। आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यस या नो कर लेना है, यस करना है इसको, और यस करने के बाद आपको प्रीव्यू फॉर्म करना है। जैसे आप प्रीव्यू फॉर्म करेंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम देखिए मैंने नहीं भरा इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाना चाहिए। यहाँ पर मैं तो यहाँ पर देखिए हाउस नेम इस तरीके से आ गया है, डिस्ट्रिक्ट नेम इस तरीके से आ चुका है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कोई भी है, आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर सकते हैं, मतलब जो आपका है वो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म करना है, कोई गड़बड़ी होगी तो तुरंत बता देंगे, इंश्योर द डिटेल आर फिल्ड करेक्टली। तो यहाँ पर प्रीव्यू को करिए, प्रीव्यू कर लीजिए, यहाँ पर देखिए प्रीव्यू हो गया है पूरा फॉर्म, सारी चीज़ें आपकी सही सही भर गई है, और इसको एक बार से चेक कर लीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने से पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर ए ई ये आपको पूरा कैप्चा भर लेना है। फॉर्म शुरू से लेकर के आखिरी तक मैंने आपको पूरा भर करके बताया है, तो इसमें कोई गड़बड़ी होने के बिल्कुल चांस नहीं होने चाहिए। गड़बड़ी होने के चांस है तो वीडियो को धीमा करके देख लीजिएगा, अगर कोई गड़बड़ आपको लग रही हो तो। सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा फाइनल एप्लीकेशन, फॉर्म पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक सबमिट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी शुरू से लेकर के आखिरी तक जो मैं देना चाहता था। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के सारे फॉर्म की पहली जानकारी सबसे पहले आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँगा।